हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर मैथ्स क्लास लेसन नंबर 15, हाउ मैनी पॉलिकल्स। लेसन में हमने देखा कि इसे कैसे हमें काउंट करना है और इसे कैसे फिल करना है। अभी हम इसकी एक्सरसाइज देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, काउंट द फ्रूट एंड राइट द नंबर इन द टेबल। इसको आपको कैसे करना है, तो सबसे पहले ये बास्केट में आपको देखना है कि कितने फ्रूट्स कौन से हैं। तो जैसे कि यहाँ पे है एप्पल, तो एप्पल कितना है यहाँ पे काउंट करना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, जो भी है आपको वहां पे लिखना है। देन है बनाना, बनाना को लिखना है, बनाना कितने है यहाँ पे आपको काउंट करना है। देन फिल करना है, देन पेयर एंड मैंगो, उसको भी आपको इसमें से काउंट करना है, देन लिखना है। मैं आपको बता दूं, ये है पेयर और ये है बनाना, ये 4 बनाना, सॉरी हाँ ये बनाना है, ये 4 मैंगो है, ये एप्पल है और ये पेयर है। आपको अच्छे से काउंट करना है एंड देन इसके नीचे ये बॉक्स फिल करके ये आंसर देना है। विच फ्रूट इज द मोस्ट इन नंबर, इनमें से सबसे ज्यादा नंबर के फ्रूट्स कौन से हैं, सबसे ज्यादा फ्रूट्स कौन से हैं, वो यहाँ पे आपको लिखना है। नेक्स्ट है विच फ्रूट इज द लिस्ट इन मेंबर। तो इसमें क्या करना है आपको कि जो कम हो, जो भी कम है, जो भी फ्रूट्स, उसको आपको यहाँ पे लिखना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 है, पिक्चर ऑफ द हेयर एंड पॉनीटेल्स ऑफ द चिल्ड्रन आर गिवन बिलो, राइट द आंसर टू द क्वेश्चन ऑन द बेसिस ऑफ 8। आपको क्या करना है यहाँ पे, इस पिक्चर के अकॉर्डिंग इसका आंसर देना है। यहाँ पे आपको दिख रहा है कि ये 2 पॉनीटेल्स है, किसी की 1 पॉनीटेल है, ये 2 है। यहाँ पे ये जो है लड़के, यहाँ पे किसी के ऐसे स्लीपिंग बाल, ऐसे सोए हुए है, देख रहे हो, और यहाँ पे किसी के स्टैंडिंग है। तो इसके अकॉर्डिंग आपको आंसर करना है। जैसे कि यहाँ पे नीचे है, हाउ मेनी टोटल चिल्ड्रन आर देयर, इन सबको काउंट करके आपको लिख देना है कि कितने चिल्ड्रन है। ओके, देन हाउ मेनी बॉयज आर देयर, इनमें से बॉयज कौन से है, तो ये जो ये येलो वाले है वो सारे बॉयज है, तो आपको उसको काउंट करके लिखना है। देन हाउ मेनी गर्ल्स आर देयर, 1 पॉनीटेल और 2 पॉनीटेल वाली सारी गर्ल्स है, जिसने ये बिंदी लगाई हुई है वो सारी गर्ल्स है पिंक में, तो आपको उसको काउंट करके यहाँ पे लिखनी है। नेक्स्ट है हाउ मेनी गर्ल्स विद 1 पॉनीटेल आर देयर, तो यहाँ पे आपको देख लेनी है कि 1 पॉनीटेल कहाँ है, तो ये देख लीजिए आप, ये है 1 पॉनीटेल, तो जितनी भी लड़कियों ने 1 पॉनीटेल करा है उनको काउंट करके आपको यहाँ पे दिखना है। देन हाउ मेनी गर्ल्स विद 2 पॉनीटेल आर देयर, तो ये 2 पॉनीटेल है, तो आपको इसको भी काउंट करके यहाँ पे लिखना है। नेक्स्ट है हाउ मेनी बॉयज विद स्टैंडिंग हेयर आर देयर, तो स्टैंडिंग हेयर कितने है, तो ये देख रहे हो आप, जिसे स्टैंडिंग हेयर कहते हैं, तो काउंट करना है, देन फिल करना है। हाउ मेनी बॉयज विद स्लीपिंग हेयर आर देयर, स्लीपिंग हेयर यानी ये सोए हुए बाल, तो उनको भी काउंट करके आपको यहाँ पे लिखना है। ओके, देन नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, डिटेल्स ऑफ द क्लाइमेट इन द मंथ ऑफ ऑगस्ट आर गिवन इन द कैलेंडर बिलो, राइट द आंसर टू द क्वेश्चन ऑन द बेसिस ऑफ इट। तो आपको ये मैं बेसिक सिखा दूं कि ये अक्टूबर का कैलेंडर है, इसमें ये सन है वो हॉट वाला दिन दिखा रहा है, ये क्लाउड है वो क्लाउडी दिखा रहा है, कोल्ड में ये कैप है और रेनी में ये अम्ब्रेला है, तो आपको इसके अकॉर्डिंग इसका आंसर देना है। फर्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी डेज वर हॉट इन द मंथ ऑफ ऑगस्ट, ऑगस्ट मंथ का ये जो कैलेंडर है इनमें से हॉट डेज कौन सा है, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 आपको 8 लिखना है। देन हाउ मेनी डेज वर क्लाउडी, क्लाउडी डेज कौन सा है, तो वो आपको क्लाउड कर काउंट करके लिखना है। हाउ मेनी डेज हैड रेनफॉल, रेनफॉल कब हो रही है, तो रेनी डे में रेनफॉल होगी, तो वो आपको काउंट करके लिखना है। हाउ मेनी डेज वर कोल्ड, कोल्ड में कैप दिख रही है उसको काउंट करके लिखना है। नेक्स्ट हाउ मेनी डेज वर कोल्ड एंड क्लाउडी ऑल टुगेदर, कोल्ड और क्लाउडी मिला के कितने हो रहे हैं वो आपको काउंट करके लिखना है। देन हाउ मेनी डेज वर हॉट एंड रेनी ऑल टुगेदर, हॉट और रेनी साथ में मिला के लिखना है। हाउ मेनी मोर डेज वर हॉट देन रेनी, रेनी से ज्यादा हॉट कितने है वो आपको लिखना है। हाउ मेनी लेस डेज वर रेनी देन क्लाउडी, क्लाउडी से ज्यादा कम रेनी के कितने हैं, तो वो भी आपको प्लस माइनस सब्ट्रैक्ट एडिशन करके ये लिखना है। बहुत ही मस्त है, बहुत ही मजा आएगा, आपको अच्छे से फिल करना है। ओके, थैंक यू।